रहमान रहीम अस्सलाम अलैकुम सवेल सरैकी दे दोस्तों अज साडे नाल सरैकी वसूं दे अजीम शायर अदीब सई साजिद अलीपुरी नाल हैं। असां उन्हां दी विसाख ते मौजूद हैं। साजिद अलीपुरी सई अजोके दौरे च जदीद नज़म दा वड्डा हवाला हैं। साजिद अलीपुरी सई दी पहली किताब कुछ अरसा पहले आई, अलिफ तो पहले बई किताब भी आवण वाली है। अजकल सेहत के हवाले नाल काफ़ी सारे कमज़ोर भी हैं, बीमार भी हैं। अल्लाह से इन्हें को सुख सेहत देवे। इन्हों की मेहरबानी के साडे देखने वाले वास्ते असा को टाइम अता किए ने। अज असा इन्हों इना दी शायरी के हवाले नाल, इन्हों दी हयाती के हवाले नाल गाल मुहाड़ करे सूँ। आओ साजिद अलीपुरी सई नाल आपां गाल मुहाड़ का सिलसिला अगे तो टुरने हैं। साजिद अलीपुरी सई, तुहाडी सब तो पहले ढेर सारी मेहरबानी जो ई तबीयत च ई बीमारी दे आलम च तुसां असा को टाइम अता किते, तुहाडा ढेर सारा थोड़ा सोना साकू। सब तो पहले तो ये दसो कि तुसां अपना अदबी पंध कड़ा ते किवें शुरू किया? जहाँ तक अदबी पंध दा तालुक है जी, आप मैं तकरीबन छेवीं पढ़ता हम या सत्तवीं जिधर मैं पहली नज़म लिखी है। अच्छा सही, वो नज़म कोई ख़ास शायद तक है ना ही बहरहाल। अच्छा सही, ये हा कि एक जौक हा यानी शुरू दा। अच्छा सही, उनकी वजह यह है कि सारी नानी सैन दे वालिद साहब शायर हैं, हाफिज़ सुल्तान महमूद तखल्लुस वाला महमूद। अच्छा सही, वो हम यतीम साहब दे जोटे हैं चू दो दोस्त हैं संगते हैं चू सही उन दौर पे सही। तो वह नानी सैन सा को अक्सर अपने वाल साहब दे शायरी सुनी रहवेंदी है। अच्छा सही, ते वस्ती दे वे भी काफी लोकें कनो सा को शायरी सुनन को मिलदी है। अच्छा सही, उदी असल वजह या है कि शुरू कनो है बचपन कनो वो शायरी सारे जहन दे में खड़ी है। अच्छा सही, हूँ ऐसा को ये नहीं काम थे उभारिया में को। अच्छा, ही अदबी पंध हाले पासे। जी जी, ही पंध हाले पासे सही। और सारे वस्ती दे एक वस्ती दे नाल दी वस्ती दे हम गुलशाद गौरी साहब सही, वो बहुत सोने शायर हैं, अनपढ़ हम लेकिन सराय की शायरी कमाल करें दे हम। क्या नाम है? अब्दुल गफूर गुलशाद साहब। अब्दुल गफूर गुलशाद, वो तो ई हन जो मुहमिल अल्फाज को भी मानी ले दे। अच्छा, अब्दुल गफूर गुलशाद साहब। अच्छा सही, साढ़े दौर दे विच ओ शायर हैं। अच्छा सही, मेरे को एक नौजवान नौजवान के आँखों मेरे को दो क्लास अगुते हा। अच्छा सही, ऊ मेरे को एक डोढ़ा आम ते सुनाया। अच्छा, सईद सईद जाम सईद का नाम है। अच्छा सही, मैं उन्होंने पूछा मैं कि ये तू की में लिख के दिए? वो आखा मेरे उस्ताद हैं अब्दुल गफूर गुलशाद साहब। अच्छा, वो जानता था असा व्याह से भी वो सारा दिन वस्ती दे विच चौक दो दे बैठे होंदे हन, होटल दे उत्ते नूर मद मुस्तर साहब होंदे हन सही, उन्हां दे कठे महफिल लगी पी होंदी है तरी के रही, उन्हां दी शायरी दी कनसो सारे कन्ने पाए वेंदी टुरदे फिरदे सही। वो सईद को देखते मैं अब्दुल गफूर गुलशाद को आख्या मैं किसी में करूँ मेरे को भी शागिर्दी दो। अच्छा, सिखाओ मेरे को शायरी। मैं को आख्या पुत्र तुहाडा मौलवी खानदान है तेरा काम नहीं है तू ही पासे ना वा। अच्छा, बस वो दरिया चाहता प्या असा हूँ दौरान तू मंडी पट गयो से असाली पुर आ गयो से। अच्छा जी, वाल वो शायरी वाला वो अंदर जरा है को खड़ा हा जोश जज्बा जोश जज्बा आगे नो जी वो अपनी जात होते काम कहना रह गया। अच्छा सही, वाल में को याद है कि मैं सेकंड ईयर के बाद एक नाज़म लिखी है। अच्छा सी, यानी वो छेवीं सतवीं अठवीं के मतलब वो दौरा नहीं आज रहे सिर्फ जाओ के गुजरिया या शायरिया सुनने ते गुजरिया सही, ते लिखण वाले पास कुछ मेरे को अब्दुल गफूर गुलशाद ही डिसाइड किया भी ना कर। उन्दे बाद मैं सेकंड ईयर के बाद तो सेकंड ईयर च आते वाला विच मैं सेकंड ईयर की। अच्छा, 93 दे विच ई वेले तुम्हारी उम्र चोखी है? मेरी उम्र 47 साल है।
संताली बर्थडे तारीख पैदाइश जकुम अक्टूबर 1975 1975 दी ठीक है सही। अच्छा साजिद अलीपुरी सी ये दसो जड़ी तुसा सेकंड ईयर च आ ते पहली नज़म लिखी है वे ओ नज़म दा उनवान कोई शेर कोई याद है असल विच ए कि ओ एक नज़म है ई हवाले नाल कि मैं ऊ वाले कुछ हालात ही हो जे हम सारे जो रोजगार गोलना पै गया वालिद साहब वालिद मरीजन बीमार हैं वालदा साहब बीमार हैं अच्छा मैं वो रोजगार की तलाश में होना हम ज्यादातर सही ही हवाले नाल ही मैं वो एक नज़म लिखी ते जाहिर है कि वो मेरी पहली पहली नज़म है ये बेवजनी था उसी पर अच्छा ते उन्दे विच मतलब मकसद उन्दा ये है कि मैं उन्दा मे को मिसरे तो बे याद कहे हो ठीक है सही ते वो ये है कि मे को उन्दा मतला याद है जो पढ़ लिखते यारो मैं बेरोजगार हाँ ते होना ही मे को यानी ये दस्या भी गजल क्या होंदी है नज़्म क्या होंदी है सही लोड़ा क्या होंदा है ये चीज़ा मे को होना है तुहाडा अजो के दौर च जदीद नज़्म दे हवाले नाल वड्डा ना है जेड़ी ई दौर च जदीद नज़्म लिखी वेंदी पई है आखी वेंदी पई है जी उंदे बारे तुहाडा क्या ख्याल है मैं ये समझदा सी जो मैं शुरू है थी आज़ाद नज़्म दे खिलाफ हां अच्छा सही शायद उंदी वजह ए है जो उ आजाद नज़्म दे विच कोई बहर का ना चलती अच्छा ओ मतलब लिखी वने ना वत किथे बी बहर च मिसरा वेना पे किथे बी बहर च मिसरा वेना पे उंदे विच चाशनी का ना रहंदी है अच्छा अच्छा उगाल करण दा मजा ना दा शायद शायर को दा होवे सुना लिख ता समझ ना सही मैं चूंकि शुरू दा नज़्म वाले पासे हम बदला लिखी मैं लेकिन ज़्यादा तवज्जो मेरी नाज़म वाले पास है सही गालिब साहब दे बाद मैं उस्ताद अब्दुल्ला साहब खान शरर साहब नाल रब्ता किया सही उन्हें दा ये हा के बाद में चले दे पे हन एक जेड़ा डेट डू सो ने दा शागिर्द हा अच्छा वो हर महीने डेट डू सो शागिर्द हा वो हर महीने बाद में दोते इकट्ठा होना अच्छा बल उन इलाके दे लोग भी अहले ज़ौक हन अजा तक उन्हें दा फौत होने दे बाद भी वो बस जल्दी पिए सही उतना कि यानी मेरे को है को स्टेज मिल गया सही मैं उठा वेदा हम हर महीने उन्हें कि नहीं असल तो शरर से एक आलम आदमी है अच्छा सही उन्हें दे औजान बहरा तो वो पुराने हैं जिमें पुराने शोरा सारे बुजुर्ग रिवायती शायरी है लेकिन ये है कि उन्हें दे ख्याल बहुत सोने जदीदा ठीक और वो नज़्म भी बहुत सोनी लिखते हैं सही लेकिन मेरा ये है कि मैं शुरू को नज़्म लिखता हम तो बस उनके कोई मतले शतले का ख्याल कर रखता हूँ अच्छा बस अपनी मर्जी से जितू शुरू कर देना जिथा वहीं रुक बना बस कर अपनी मर्जी हम शुरू कर सही तो उस्ताद शरर साहब आदे भी तू अब ते को मैं नहीं जाल सकता ते को मैं नहीं समझा सकता ये मुसद्दस है मुखमस है मुसम्मन है क्या है ते ना तू से अरफी तो कर देना दो अरफी तो कर दी तेरी अपनी मर्जी में पता लगता कितों शुरू करना पीते कितना मैं रुक सें इवें यानी मेरी इब्तदा करो उसके बाद आखिर वो वक्त गुजरन के नाल मेक वाल बेशोरा भी नजरिए भी अच्छा है जमाने तो शागिर छुटे पा देता मुंगले मुंगले ना हाँ सही अच्छा उन्हें को मतलब मौका मिल लेकिन ये है कि वो उन्हें दे बाद मैं तारिक साहब ते अहमद खान तारिक साहब जोड़े छोड़े सुन दिया से सही पता लगा पे डोड़ा इन्हें बहुत मजनी सही अच्छा उन्हें बाद यानी नाज़म दे हवाले नाल मेरे को कोई शायर ना बैठा करता अच्छा जी वाल मैं अजीज शाह साहब दी किताब एक मेरे थी तो वाल तो मुशायरे ने दौर होना चल पे सही ते मैं साणा थे वादा हम ही हवाले नाल ते शायरियां सोचन से इवें इवें वाला एक जौक बता गया बहरहाल मैं जरा कुछ चाहता हम वो ये हा कि मैं कुछ अलहदा लिखा रिवायती शायरी कनु हट हट दे ठीक है
मेरी ई कोशिश क्योंकि मैं नवे ख्यालात आने हैं, मैं ये समझदा हूँ भी अगर शोरा कराम आदन भी फितरत ते लिखो तो क्या सिर्फ ये फितरत है जंगल या दरिया या ये चीज़ा वो आसमान के उत्ते सारे चंद तारे ये फितरत नहीं सही ऊँ फितरत को भी नहीं क्यों छोड़ा वेदा पे सही ऊँ फितरत मैं क्यों ना गाल करा सही तो मैं अपने ख्याल पास गिन गयो मतलब शुरू को मजहबी जहन भी हा सही ते वो भी मतलब नाल रह गया तो शुरू शुरू दे विच मैं अपने बेट दे हवाले नाल इतना कुछ लिखे दरिया सारा कुछ ये चीज़ा अच्छा सही जो मैं उनको थक गया इतना लिखे मैं ठीक है जाहिर है कि उन कमिया बेशान मेरी इब्तदाई शायरी है मैं इब्तदा दे विच सारा कुछ भला मेरा ख्याल है कि ये भी है जरा एक दफ़ा मैं जरा को लिख गिनता हूँ भला उसको भला नचनेदा हूँ अच्छा ये मैं लिख गिदे इको खत्म हो मतलब ये मौजूद है इलावा उन गाल कर मौजूद है इलावा कोई गाल कर भला मैं ये भी देदा हूँ दाम तारे खान दे मतलब फितरत वाला डोड़े छोड़े सारे सकाफत ये वो सारा कुछ वो चलता आंदा है लिहाजा कोई नवी शान नहीं है तो मैं वाल गया भी अगर ये फितरत है तो क्या आसमान के उत्ते सारा कुछ चंद तारे ये भी फितरत नहीं ऊ को पकड़ो मिले तो ऊ पासे मेरे कुछ ख्यालात हैं जो शुरू को मेरे जहन दे विच हन पे सही है ते उन्हें को मैं मतलब कोई सही शक्ल ना दे सकता पिया अच्छा सर उनके वास्ते मैं इंतखाब किया आज़ाद नाज़िम दा वाह क्योंकि वो जरा है वो ख्यालात कहीं मुसद्दा से मुसम्मा ने जो इन विच ना पिरोए बन सकते मैं उनके वास्ते आज़ाद नाज़िम दा चुनाव किया तो वाल आज़ाद नाज़म को भी पहला काम है किताब एक बहर होनी चाहिए जरूरत के मुताबिक काफिया बंदी भी की वजह सही है उनको सोना कराने वास्ते दूजी चीज़ है नाज़म मैं समझा भी इतना हो ऐसी हो कि पढ़ते हुए वो सामे को हिसारे गिन गिले सही जो जे तक मैं वैसे स्टेज तो पहले आधा भी रहा हाँ भी जे तो मेरे मेरे नाल टुर सको तो मेरी गाल समझ आओ सी तुसा थोड़ा जहा ख्याल बटा दिता था पीछे वाला सारी मेरी नाल दूर तो तुहाडा सुनिया ही गया ये है सही है वो इवें है यानी अच्छा सही मेरी गुजारिश जड़ी है मेरा सवाल जड़ा है हजूर वो ये है कि जड़ी अजोके दौर नज़म आखी वेंदी पई है लिखी वेंदी पई है मौजूदा सरैकी वसे बिच सरैकी शायरी च जड़े नौजवान नौजवान या सीनियर साढ़े शोरा जड़े मौजूद है नज़म लिखते खड़े उन्हां ऊं अदब दे बारे तुहाडा क्या ख्याल है देखो सी मैं सी अपने सीनियर दे बारे तो कोई नहीं आख सकदा नीगरें दे बारे तो, मैं नहीं अब तो नीगर नौजवान लिखते खड़े जी हाँ मैं तो भी अगर लिखते पे सही तो ठीक है लेकिन ख्याल सोना कहना सही है ख्याल सोना कहना सही है अच्छा नज़म बहरहाल ये है कि मैं एक शायद लिखी है जो मेरी बहरे च आनन के बाद मैं इतने हर किसी नौजवान की बहरे च होती है सही है कम अज़ कम यह है कि वो चाशनी तो पैदा कर दे रही है सुनने वास्ते सही है नहीं हूँ वेले जेड़े दौरे तुसा गाल करें दे पे वे हूँ वेले अजीज़ शाहिद की किताब फुल सरमी दे जी जी वो उन्दे विच बेपनाह आज़ाद नज़म है असा हकीकत यह है बुखारी साहब कि मैं अजीज़ शाहिद साहब जहाँ जरा नज़मा सुनिए वो मतलब मुकैद या मंजूम उन्हें कुछ जो आखो वो ई हन मैं उन्हें इंज नज़म कोई कहना सुनिया नहीं वो जान तेरी कसम तेरे गम दी कसम लो कलम दी कसम ये चीज़ा मैं कहना सुनिया अच्छा ठीक है अजीज शाहिद साहब ने किताब दी थी सही धम्मी धम्मी सही अच्छा वो मैं चाहिए आयो तो उकूला पढ़ बैठो अच्छा तो जितना चीज़ा मैं सुनी बता उन्हें मैं सुनी बता तो पढ़ने जो बैठो मेरे को ख्याल आए भी मैं ये किताब तो पढ़ता पिया कितने ये ना हो भला सारे ख्याल कितने मिल बने टकरा बने तो भला पीछे शर्मिंदगी थी दिए वो उस्ताद लोग हैं असा थे उसे मतलब बैठे सारे बात दे नौजवान है चूँ तो मेरी एट कितने टकराव ना थी मैं इन वास्ते मैं शायद साहब भला पूछा अच्छा भी किताब मैं तो लीती है पढ़ी आवे मैं उन्हें को भी जाके मैं कहती मेरे को डर लगते ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਸਭ ਕੋਈ ਅਗਾ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਜ਼ਮ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਤਾਂ ਬੈਠਾ
लेकिन मेरे को किथे किथे कि वाला इमें अड़ी आवे दी है मेरे को आपको यानी इत्मीनान ना पे थे ना होना सही तो मैं वो पहली नाज़म दे उते मुतमैन ना पे थे ना हम पहली नाज़म दे पहले बंद दे उते अच्छा भी मैं जरा कुछ लिखी बैठा हाँ क्या ये काबिल कबूल है या वो किथे ही कर मेरे को ही मैं सख्ता आवेदा महसूस थी ना मेरी ये किथे ही कर मैं कुछ घट की बैठा या वाद की थी सही 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 तो मैं वो अजीज शाह साहब को फोन किया मैं कह मुर्शिद मेरा ये सुनो आंदरा ये बंद बंद उन्हें बंद सुनिया तो उन्हें मेरी हौसला अफजाई ठीक ठाक की ठीक अच्छा मैं कि इंदे विच कुछ है जरा मेरे को चुभता खड़े तुसा ही कुजरा देखो गौर करो देखो दसो हिंदो तो उन्हें के वला पर वला में डिठा उन्हें एक जा दे उते जिवे मैं वो गिरा लेना ना गिरा दे विच उन्हें के भी ई जा दे उते कोई एक लाइन भी ही काफी तल शामिल करो उन्दे विच ठीक है अच्छा मैं वो कीती यानी शायद सर मेरे को अल्फाज दिते भी ए ला छोड़ो लेकिन चूंकि मैं अपने ख्याल बदा भी हूँ ख्याल को मैं रखना तो माजरत नाल माखसा भी मैं शायद साहब के अल्फाज कबूल ना किते लेकिन ये है कि मैं उन्हें दी एक गाल मंडी भी इनकी जरूरत है सही 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 अच्छा वो एक बंद दे उते अच्छा वला मेरे को कदे ही नहीं जरूरत पेश है अच्छा यानी उन्हें जी एक शायद दसी बेकूँ सही ਅਸਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਰੇ ਨੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਨਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡੋੜਾ ਵੀ ਲਿਖੇ ਕੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਰੁਬਾਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ काफ़ी भी मेरे को पसंद आती या काफ़ी दे औजान मेरे को समझ आता है अच्छा सी जेरे वेले काफ़ी लिखने वाले पास मैं तवज्जो की हूँ चूंकि बीमार की तकलीफ की वजह तो कुछ जहन एजा थी गए भी वो लंबिया नज़मा ना मैं कहीं याद थी भावे नवी किताब जी मेरा लिखा हुआ तो ना मेरे को याद थी तो ना मैं ऊँ साह पढ़ सकता इन वास्ते मैं कोला रस्ता गोली भी मैं अपने ख्यालात जेरे हैं चलो नज़मा तो मैं जिमें कि मैं कदी कदी मथा मार रहना लिख लेना लेकिन ये है कि मेरे को कोई भी सिंफ गोलनी चाहिए तो वो मैं काफ़ी दे इंतखाब किते काफ़ी मैं पढ़ी मुख्तलिफ अच्छा बिल्कुल काफ़ी की नहीं लेकिन जहाँ तक मेरे को उलमा नाल भी गपशप की थी भी काफ़ी क्या है मेरे को समझाओ इवें अपने मोहतरम आशिक खान बुजदार सही नाल भी इवें कि तुसां काफ़ियाँ लिखते हुए थोड़ा जहा मेरे को हिंट्स दियो भी काफ़ी क्या है ठीक है उन्हें कोई वो हिंट्स गिनते मैं काफ़ी लिखा शुरू की है बहरहाल मेरी काफ़ी को बहुत अच्छी पजीराई मिली है तो मैं अपने इधर चलता पाया अच्छा तुसां काफ़ी च ते जदीद नज़म च जी कहीं कोनो मुतासिर भी है वे मुतासर होने का जहाँ तक ताल्लुक है मेरे को कई दोस्त दसिया भी मजीद अमजद साहब उर्दू के शायर हैं बहुत सोहनी नाज़म लिखते हैं मैं उन्हें को पढ़िया वाकई सोहनी नाज़म लिखते हैं लेकिन मेरे को ये जिहड़ा मियार नहीं महसूस थिया मेरे जिवें एक होंदे मियार मतलब आखी जे ते सराइकी दे विच नाज़म दे हवाले नाल दौरे अजीज शाह साहब जहाँ होंगे नज़मा मुस्तफा खादम साहब भी लिखते हैं या कुछ भी शोरा भी लिखते हैं नज़मा सामने हैं लेकिन वो जितना मैं सुने आज़ाद नज़मा मैं शाह साहब जहाँ कहीं सुने ठीक है तो बाकी भी कहीं खास कहने सुने सही मैं वाला नज़म आन सुनी है तो आशिक़ खान बुज़दार साहब की नज़म सुनी उन्हें तो एक अलहदा मतलब तर्ज बयान है एक उन्हें अलहदा एक वो है यानी उन दोते हो सिर्फ गाल कहने जी में मिसाल सरे की काज है ठीक धरती दे हवाले नाल मुज़हमत दे हवाले नाल मुज़हमत दी शायरी वो बहुत सोहनी शायरी उन्हें दी उन दे विच काफ़ी सारा फन मिलते देखने को अच्छा बाकी मुख्तलिफ शोरा हैं नाम वार लेकिन मैं कहने ना उन्हें कुछ शायरी यही है मैं सुनी है
लेकिन माए को कोई खास इंजा नहीं नजर आई जो माए। अच्छा तुसे होने आशिक जहांगीर मुखलिस साहब जी कुछ उन्हें दी शायरी शुरू हो मेरे सामने आई है। अच्छा सिंह जेरे वेले ओ शायरी आई है उन दौरे च मैं ए दिता जो शायरी मैं भी करना नाज़म ओ भी लिख दें लेकिन मेरा एक अलहदा जहन आ वो उन्हें दी नाज़म मिसाल या जात ते खड़ी है या मतलब अपने वसेब ते या मतलब माँ धरती दे हवाले माँ धरती दे हवाले नाल गाल खड़ी है वसेब दे लोकें दी मतलब मज़ाहिम थी शायरी जी ठीक गोदेन खान मतलब ये हवाले नाल तो मैं इवें चाहता हम भी कोई ई लिखे जो मैं मतलब कोई आते उतले लेवल का गाल ही करे उतरा दी शायरी मैं कहने नहीं है। अच्छा ये दसो हां उस्तर साहब है डोड़े दे हवाले नाल उंदा बहुत सोणा डोड़ा है जेरे वेले ओ डोड़ा आए उस्तर आए हूं वेले उ सारे को फेल करते डोड़े सही। अच्छा लेकिन ये के तारिक साहब वला अपने आप को क्या आदमी ओ करके दे तारिक साहब दे मतलब डोड़े दा जो मेयार ते मिजाज आ उथे ही खड़ा रहे शुरू दा उथों जे उथे ही खड़ा रहे उथे ही खड़ा रहे उथे ही खड़ा रहे और आखिर तक उए रहे उए रह गए आज तक उए है जी जी बिल्कुल आज तक उए है प्या। अच्छा मैं ए पूछन जाना एकदम एक तुसा ए इथे ही दसी वंजो के काफी कनु भी काफी दे हवाले नाल भी कहीं तू मुतासिर हो। अच्छा काफी मैं कहीं भी शायर दी कहनी पड़ी कहनी पड़ी सिर्फ आपले शौक को जरा को लिखे आशिक खान सही का हवाला दिते मुखलिस सही की शायरी गाल की। अच्छा ये दसो कि कुछ लोगों का ख्याल है कि मज़हमती शायरी एक वक्ती तौर पर नारा होंगी है जी जी इवें ठीक है ना सी जी वेले गुजरण के नाल नाल मर वेंदी है इदे बारे तुहाडा क्या ख्याल है। ये मरण वाली गाल तो बल सही कहनी मैं नहीं समझता तुसा कहीं भी दौरे देख गिनो कहीं दौर के हालात का जायजा चावना हो कहीं इलाके दे कहीं दौर के हालात का तो हूँ इलाके दे शोरा को पढ़ सो बिल्कुल बिल्कुल तुसा को शोरा को पढ़ते तुसा को हूँ इलाके दे ऊँ दौर दा हवाला ऊँ इलाके दा हवाला सारा मिल वैसी भी ऊँ दौर च क्या कहते दा रहे सही मुजाहिमती शायरी की मर सकती है सही अगर ही चीज को डिठा बने सही आज तुसा पुराना चाह तो बोल सकदो सही तो हालात मुजाहिमती शायरी नहीं मरती सही है। हाँ हाल बताए है कि तुसा को चाह की दे ई हवाले नाल जो एक शख्सियत दे खड़ा दीती है वे ओ शायद पिछे मर बंदे सही सही सर कुली तौर तो तुसा खुली गाल कीती है सही ओ नहीं मर सकदी मेरे मां धरती दे दुखे नाल जुड़ी हुई कोई गाल भी मेरे ख्याल च जाय नहीं वेदी ए एक अजीम असास है पूरे है। अच्छा साजिद अलीपुरी सी ए दसो तुसा आजकल अलीपुरे च अदबी फिजा किवें कायम रखी पियो। अदबी फिजा सी ए डॉक्टर खालिद परवेज साहब जतु इदे तोरन जी 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 मेहरबान हैं मेहरबान इंटरव्यू भी शायद हां मेहरबान हैं बहुत अच्छे इंसान हैं उन्हें कुछ अरसा साल दो साल या त्रै साल इतना अरसा उन्हें अदब की बड़ी खिदमत की है साढ़े इलाके अलीपुर जतोई तहसील इतों के शोरा को अदबा को उन्हें बड़ी पजीराई बख्शी है प्रोग्राम करवाए किताब छपोई ने इवें भी मुख्त बल उन बाद वो अपने मसाइल कई तरह में घिर गए अपने घरेलू सही या क्लिनिक दे सही सही तो अस डिठे भी हूँ शोरा ढे सारे मतलब किथे झलू सही सही तो मैं इतना गुजारिश की सारे इलाके दी बहुत अजीम अदबी शख्सियत है। अच्छा सही अच्छा उन्हें दी बार उन्हें को आम तौर पर गयूर साहब बुखारी साहब ये सुनते से ना इंसानियत का दावा कराने लोग होने लेकिन वो इंसान सरापा है इंसानियत बेशक अपना सारे हैं डॉक्टर मोहम्मद आलम खान कुपान से। अच्छा सही असा उन्हें दे इंसानियत दिखी है वाह वाह मेरे नाल उन्हें दो चार मुलाकात हम
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੱਖਰ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਮੇਕੂ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਥੀਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਉਹ ਡਿੱਠੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਫੇਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਇ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੱਖਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਧਰਾਂ ਦੇ ਆਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਕੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਏ ਤਾਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਜ ਅਲੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਕੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਸਹੀ। ਆਖਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਮ ਰਫੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਊਂ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਂਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਊਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੁਲੇਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਜਾਏ। ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਥਈ, ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਖਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਕੋ ਆਖੋ ਆਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕਰੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੀ ਆਈ ਕਹਿਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਸੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇੱਥਾਂ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਤੁਮ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕੋ ਤੋਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੋਸਤ ਖੇਰੋ ਖਾਣਾ। ਇੱਥਾਂ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਵੇਂ ਦੇ ਕਿਤਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਅਦਬੀ ਇਕੱਠ ਅਦਬੀ ਸਾਂਝ? ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੇਢ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਸ। ਅੱਛਾ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇਖ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਵੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਆ ਵੰਦੇ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਦੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਦਬੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਦਬੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਖੜੋ ਜੀ? ਉਫਕੇ ਫਜਰ, ਉਫਕੇ ਫਜਰ ਅਦਬੀ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਹਰ ਫਰੀਦ, ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਮਜ਼ਹਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨਵੇਂ ਨੀਂਗਰਾਂ ਦੀ ਚੋਖੇ ਨਵੇਂ ਨੀਂਗਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਸਹੀ। ਅਸਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਹੀ, ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਗਏ ਸੋ, ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਨ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਅਲੀ ਪੂਰੀ, ਅੱਛਾ ਸਹੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਯਾਦੂ ਨੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ 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 ਜੀ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ, ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੋਵੇ, ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
ढेर सारे दोस्तें सारे दानिशवरें कमेंट किते हैं, लेकिन वो इवे किते ने भी जिमें अलिफ तू पहले। मेरा मकसद है ना, मेरा मकसद आ अलिफ तू पहले। अच्छा, अलिफ तू पहले। अलिफ तू पहले, हाँ। अच्छा, वो लिखा हुआ है जड़े, मतलब अलिफ तू पहले, मतलब अलिफ तू पहले। जी जी, तुसा जिमें वो लिखा खड़े, वो नून गुना लिखा खड़े ना। जी जी, अलिफ तू पहले। अच्छा, तू पहले। तखातब दी अलामत है नुक्ता होने सही। मैं चाहता हूँ की ओ लो, लेकिन एक प्रोफेसर साहब मेरे को आके उ आके उंदी बजाए निदाया न लो ते कोमा पो एक कोमा पैसो तो अलफ अलहदा थी वेसी सही ते यानी वला ए बंदे को सोचन ते मजबूर करे। अच्छा, लेकिन मामला जड़ा है को खुद वसे बेच बई तरह में निसे रहे ओ जी में मतलब मैं तो किताब बेच उंदा फजात कना कीती है। अच्छा अच्छा, मैं किताब बेच लिख छोया पहले पहले बली जेदा जहां तक इने ना दा ताल्लुक है तो सब किताब पढ़ो इंदा इंदा खुद गोलो भी क्या मैं कहना। अच्छा, तुम्हारी दूजी किताब जैसे किताब वजूद तोनी। वजूद तोनी, वजूद तोनी। अच्छा, उंदे विच सिर्फ नज़्में या नहीं? उंदे विच सब कुछ है, नज़्मा भी हैं, काफियां भी हैं। अच्छा सही, गज़लां भी हैं, डोड़े भी हैं, कुछ मतलब कते शते भी हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, अजकल जिमें तुसा ये बीमारी दे आलम चूं वेला, बीमारी दे आलम है वेला गुजरे ने मेरा ये सारा शायद दा दौर ने बीमारी च गुजरी है। अच्छा, ई दौर च अजकल जेडी कोई नवी चीज आखी होवो कोई? मैं तो आपको पहले गुजारिश कीती है कि मेरे को याद नहीं थी कोई शायद। अच्छा, कोई जेडी चीज याद है साकू आज हुआ हुआ सुनवायो, मतलब बाएवे ना ते सुनवे ना वदा। अच्छा सही, या कॉपी हैप्पी डायरी जेडी चीज तो आपको याद है उहा साकू कुछ सुनवा। मैं ई किताब च एक नाज़म तो आपको सुनवे ना। केड़ी? नवी किताब, नवी आवण वाली किताब। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हे सारा दिन खौफ दा। अच्छा सही, हे सारी रात खौफ दी। वाह वाह, किथई है खौफ मौत दा, किथई हयात खौफ दी। वाह 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 वाह, अलस्त तू असीर है बशर दी जात खौफ दी। वाह वाह, खौफ कायनात दा या कायनात खौफ। वाह 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 वाह, के हर अमल पिछू कोई ना कोई खौफ है। आहा, इथा गुजरते पल पिछू कोई ना कोई खौफ है। वाह वाह, इथा के इल्म फिल्म है, इथा ईमान कुफ्र है, इथा के फिक्र जुर्म है, इथा के सच अलामनी जबान बे ईमान है। वाह, इथां के हक कलामनी जबान बे ईमान है। वाह वाह, इथां शऊर कैद है, ई कैद विच मुदाम है तू अकीदें ते अकीदतें दी हिक छिड़ी हुई जंग है। वाह 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 वाह, जिथों शऊर तंग है। वाह 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 वाह, ई जंग दे विरंग हैं। वाह वाह वाह, इंदे पिछों विराज है। आहा, ई जंग दा फरीक हर अजल दा रंग बाज है। वाह, ए जंग है जनून दी, इंदे भी दू फरीक, ए जंग है जनून दी। जंग है जनून दी, इंदे भी दू फरीक हैं, एडू हजारा ख्वाहिशां जरूरतां ते हाजतां, उडू हवस ते हिरस है बिया सिवा सहूलतां। वाह वाह, एडू है खौफ ख्वाहिशां ए हसरतां ना बण वञन। वाह वाह, उडू है खौफ जो खसीज ना वञन सहूलतां। वाह वाह, इथां के फर्द फर्द को कोई ना कोई खौफ है, तलाश है अमान दी, तहूं मसीते मंदरे ते चर्चे विच हुजूम हैं। वाह, मगर ए कोई नहीं जानदा जो जान के बनाया गए समा चिधार खौफ दा, ए मजहबे दे पेश वाएं दा कारोबार खौफ। वाह 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 वाह, तेरे तेरे उन खौफ दे तसव्वुराती कारखाने जा चाबियां हिनाए दे। हाय हाय हाय, जेकू जहन्नम आख दिन जेदा ई धरती ते किथाही भी कोई वजूद नहीं,
जेंदा जो ही जहान नाल वास्ता नी तिल जिती असा को रोज पेश है। हाय 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 वाह 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 या है साकू खौफ ऊंदा जे को तेरा खौफ वाह 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 वाह।